फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट लेसन जिसे आपको सीखना ही होगा। यानी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ए टू जेड साइलेंट लेटर। हम सीखेंगे किस वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब ई के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है, जैसे ई पीच टीम बीम टीच हीप क्लू ब्रेड। इन सभी वर्ड में ई के बाद ए आया हुआ है, इसलिए ए साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब ए के बारे में दूसरा रूल देखें। जब ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है, जैसे लॉन फ्लोट कोको और बोर। इन सभी वर्ड्स में ओ के बाद ए आया हुआ है, इसलिए ए साइलेंट है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जहां पर ए साइलेंट होता है, जैसे लॉजिकली म्यूजिकली रोमांटिकली आर्टिस्टिकली। इन सभी वर्ड्स में ए साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर बी के बारे में जानते हैं। जब लेटर बी के बाद टी आता है तो बी साइलेंट होता है, जैसे डाउट डेट डेटा या डाउटफुल। इन सभी वर्ड्स में बी के बाद टी आया हुआ है, इसलिए बी साइलेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक्सेप्शन बता दूं कि दो ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, यानी वहाँ पर बी साइलेंट नहीं होता, वो है ऑब्टेन और ऑब्स्टक। ये दोनों एक्सेप्शन यानी अपवाद कहलाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर सी के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, जब लेटर सी के बाद के या क्यू आता है तो लेटर सी साइलेंट होता है, जैसे अक्वायर अक्नोलेज। इन दोनों वर्ड्स में लेटर सी के बाद के या क्यू आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर लेटर सी या के साइलेंट है। आइए अब सी के बारे में दूसरा रूल देखें। जब लेटर एस के बाद सी आता है तो लेटर सी साइलेंट होता है, जैसे सीन साइंस मसल डिसाइपल सिनारियो। इन सभी वर्ड्स में एस के बाद सी आया है, इसलिए सी साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब डी के बारे में जानते हैं। जब डी के बाद जी आता है तो डी साइलेंट होता है, जैसे प्लेग ब्रिज एज बजट गजट। इन सभी वर्ड्स में डी के बाद जी आया हुआ है, इसलिए जी साइलेंट है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर डी साइलेंट होता है, जैसे हैंडकरचीफ हैंडसम वेनेसडे और ग्रैंडसन। इन सभी वर्ड्स में डी साइलेंट होता है। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर ई के बारे में जानते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में लेटर ई आता है तो लेटर ई साइलेंट होता है, जैसे कम डांस होप राइट क्यूब ट्यूब काइट हाइट क्यूट। इन सभी वर्ड्स के लास्ट में लेटर ई आया हुआ है, इसलिए इन सभी वर्ड्स में लेटर ई साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर एफ के बारे में सीखें। सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पर लेटर एफ साइलेंट होता है, और वो है हैपनी, जो एक फॉरेन कॉइन है। सिवाय इस वर्ड के और कोई ऐसा वर्ड नहीं जहाँ पर लेटर एफ साइलेंट हो। आइए फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, जब जी के बाद एन आता है तो जी साइलेंट होता है, जैसे साइन रेन रिजाइन फॉरेन अलाइन। इन सभी वर्ड्स में जी के बाद एन आया हुआ है, इसलिए जी साइलेंट है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ ये रूल फॉलो नहीं होता। ऐसे वर्ड्स एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, जो है मैग्नेट सिग्नेचर। यानी ये सभी वर्ड्स एक्सेप्शन है। यहाँ पर जी के बाद एन आया है लेकिन फिर भी जी साइलेंट नहीं होता। फ्रेंड्स, जब डब्ल्यू के बाद एच आता है तो एच साइलेंट होता है, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई व्हाइल विल। इन सभी वर्ड्स में एच साइलेंट है क्योंकि डब्ल्यू के बाद एच आया हुआ है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जहां पर एच साइलेंट होता है, जैसे आर ऑनेस्ट ऑनर। इन सभी वर्ड्स में एच साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर आई के बारे में सीखते हैं। सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहां पर लेटर आई साइलेंट होता है, और वो है बिजनेस। यानी वर्ड बिजनेस में आई साइलेंट। इसके सिवा और कोई वर्ड नहीं जहां पर आई साइलेंट। आइए फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ दो ऐसा वर्ड है जहां पर लेटर जे साइलेंट होता है, और वो है मेरुआना और अलेबिनो। इसके सिवा और कोई वर्ड्स नहीं है जहां पर लेटर जे साइलेंट। फ्रेंड्स, जब लेटर के बाद एन आता है तो के साइलेंट होता है, जैसे नॉलेज नाइट नाइफ नॉट नैब नेल नॉब। इन सभी वर्ड्स में लेटर एन के पहले के आया हुआ है, इसलिए लेटर के साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स, अब लेटर एल के बारे में देखते हैं कि लेटर एल कब साइलेंट होता है। नॉर्मली जब ए ओ यू के बाद लेटर एल आता है तो लेटर एल साइलेंट होता है, जैसे टॉक वुड काम सुड बाम कुड वाग काफ हाफ। इन सभी वर्ड्स में लेटर एल साइलेंट है क्योंकि यहाँ ए ओ यू के बाद लेटर एल आया हुआ है। लेकिन फ्रेंड, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, और ऐसे वर्ड्स को हम एक्सेप्शन कहते हैं, जैसे बोर्ड सोल्ड ऑलमोस्ट बल्क और होल्ड। इन सभी वर्ड्स में एल साइलेंट नहीं होता क्योंकि ये एक्सेप्शन
ऑफिसर कहलाते हैं। आइए फ्रेंड्स अब एम के बारे में देखें। जब किसी वर्ड के शुरू में एम लिखा हो और उसके बाद एन आया हो तो एम साइलेंट होता है, जैसे न्यू, न्यूमिक। इन वर्ड्स में एम साइलेंट है क्योंकि एम शुरू में आया हुआ है और एम के बाद एन आया हुआ है। आइए फ्रेंड्स अब देखें कि एन कब साइलेंट होता है। जब किसी लेटर के लास्ट में एम आया हो और उसके बाद एन आया हो, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। इन वर्ड्स में लास्ट में एम और एन आए हुए हैं तो इस सूरत में एन साइलेंट होता है। इसीलिए ऐसे वर्ड को हम कहते हैं आटम, सोलेम, कालम, डैम, हिम, कंडेम, यानी इन सभी वर्ड्स में लेटर एन साइलेंट होता है। आइए फ्रेंड्स अब अगला वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स सिर्फ तीन ऐसा वर्ड्स है जहां पर लेटर ओ साइलेंट होता है, जैसे कर्नल, पॉल्यूशन, सॉल्यूशन। इन तीनों वर्ड्स में लेटर ओ साइलेंट होता है और ये सिर्फ यही तीन वर्ड है जहां पर ओ साइलेंट होता है। आइए फ्रेंड्स अब लेटर पी के बारे में जानते हैं। जब लेटर पी के बाद एस टी एन आता है तो लेटर पी साइलेंट होता है, जैसे इन सभी वर्ड्स में लेटर पी के बाद एस या टी या एन आया हुआ है, इसलिए लेटर पी साइलेंट रहेगा, जैसे निमोनिया, साम, साइकोलॉजी, साइकिक। आइए फ्रेंड्स अब देखें कि लेटर आर कब साइलेंट होता है। जब लेटर आर किसी वर्ड के लास्ट में आए या लेटर आर के बाद कोई वॉवेल नहीं हो तो इस सूरत में लेटर आर साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स या तो लेटर आर बाद में आया हुआ है या फिर लेटर आर के बाद कोई वॉवेल नहीं है, इसलिए लेटर आर साइलेंट है। जैसे वर्ड, कंप्यूटर, शॉर्ट, फर्स्ट, डॉग, फादर, डो, डॉग, टर्म और बर्ड, इन सभी वर्ड्स में लेटर आर साइलेंट है। फ्रेंड्स सिर्फ दो ऐसा वर्ड है जहाँ पर लेटर एस साइलेंट होता है और यहाँ पर साइलेंट इसलिए है क्योंकि इसका रूल है, जब लेटर एस के बाद एल आता है तो लेटर एस साइलेंट होता है और इन वर्ड्स में लेटर एस के बाद एल आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर एस साइलेंट है। आइए फ्रेंड देखें कि लेटर टी कब साइलेंट होता है। जब लेटर एफ या एस के बाद टी आता है तो लेटर टी साइलेंट होता है, जैसे लिशन, हैशन, ऑफन, फासन, सॉफन। इन सभी वर्ड्स में लेटर टी साइलेंट है क्योंकि इन सभी वर्ड्स में लेटर एस या एफ के बाद टी आया हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स है जहाँ पर लेटर टी साइलेंट होता है, जैसे मैच, स्क्रैच, बुचर, विच, क्रिसमस, रेसल, नेसल। इन सभी वर्ड्स में लेटर टी साइलेंट है। आइए फ्रेंड्स अगला वर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स लेटर क्यू, वी और एक्स कभी भी साइलेंट नहीं होते, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को याद रखेंगे कि लेटर क्यू, वी और एक्स को कभी साइलेंट नहीं करना। आइए फ्रेंड्स अब लेटर यू के बारे में देखें कि लेटर यू कब साइलेंट होता है। जब लेटर जी के बाद यू आता है तो यू साइलेंट होता है, जैसे गाइडेंस, गेस, डायलॉग, गॉड, ऑड और गिल्टी। इन सभी वर्ड्स में लेटर जी के बाद यू आया है, इसलिए लेटर यू साइलेंट है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स है जहाँ पर यू साइलेंट होता है, जैसे बिल्डिंग, बिस्किट और टेक्निक। इन सभी वर्ड्स में लेटर यू साइलेंट है। जब लेटर डब्ल्यू के बाद आर आता है तो लेटर डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे रैप, रिंकल, राइट, रीगल। इन सभी वर्ड्स में लेटर डब्ल्यू के बाद आर आया हुआ है, इसलिए डब्ल्यू साइलेंट है। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स है जहाँ पर डब्ल्यू साइलेंट होता है, जैसे हुज, हुम, हु, हुल, आंसर और हुएवर। इन सभी वर्ड्स में डब्ल्यू साइलेंट है। फ्रेंड्स सिर्फ दो ऐसा वर्ड्स है जहाँ पर वाई साइलेंट होता है और वो है प्रेयर और मेयर। इन दोनों वर्ड्स में लेटर वाई साइलेंट है। फ्रेंड्स सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर जेड साइलेंट होता है और वो है रेंडेवू। इस वर्ड में लेटर जेड साइलेंट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने ए टू जेड सभी लेटर को सीखा कि कौन सा लेटर कब साइलेंट होता है। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए।